मैं तो इंदरजीत कौर ते तुसी देख रहे हो पंजाब की बात। जिहदे विच असीं पंजाब दी हर खबर दे नाल तुहानूं रूबरू करावांगे। शुरुआत करदे आं सियासत दी खबर दे नाल। तुहानूं दस दईए कि पंजाब कैबिनेट दी अज बैठक हुई है, जिस दे विच कई अहम फैसले लए गए। सैणी ते सुनियार बिरादरी नूं पिछड़ी श्रेणी दे विच शामिल कीता गया। आनंद मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट दे विच सोध नूं मंजूरी दे दित्ती गई है। इतिहासक यादगारां दी सांभ संभाल दे लई 50 करोड़ रुपए दा कॉर्पस फंड रखन नूं मंजूरी दित्ती गई है। इस तों इलावा श्री अमृतसर कल्चरल ते टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी दे गठन नूं मंजूरी दित्ती गई है, जो दरबार साहिब दे नाल लगदियां इतिहासक थावां दा रख रखाव करेगी। गुरु रामदास चैरिटेबल ट्रस्ट यूनिवर्सिटी ते खालसा यूनिवर्सिटी बिल विधानसभा च लियाउण नूं भी मंजूरी दित्ती गई है। सैनी बरादरी है और सुवर्णकार बरादरी और सुनार बरादरी, इन्हों की पुरानी मंग सी कि इन्हों पछड़िया श्रेणियों की सूची के शामिल किया जाए। एक तो अज की कैबिनेट जी है उस चीज़ में प्रवानगी वो दिती। आनंद मैरिज एक्ट के अधीन जी रजिस्ट्रेशन कराने वास्ते जो भी सोध की लोड़ सी वास्ते भी अज की कैबिनेट के प्रवानगी दिती गई है। तो पंजाब कैबिनेट दे विच कई अहम फैसले लए गए ने। हुण अगे वधदे आं ते अगली खबरदार करदे आं। पंजाब परिवर्तन यात्रा दे तहत पटियाला पहुंचे आम आदमी पार्टी पंजाब दे साबका कन्वीनर सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने एक बार फिर तो टिकट वार नूं लैके आम आदमी पार्टी नूं घेरिया। छोटेपुर ने इल्जाम लगाया है कि दागी उम्मीदवारां नूं टिकटां दित्तियां गईआं ने ते जो हुण तक 32 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने ऐलाने ने उन्हां चों बहुते साफ अक्स वाले नहीं हन। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर पंजाब परिवर्तन यात्रा के तहत सूबे के वख-वख हिस्सों च घूम रहे ने अते अपने हमायतियां दे रूबरू हो रहे ने। गुरदासपुर तो शुरू हुई छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा जलंधर रोपड़ ते फतेहगढ़ साहिब हुंदी हुई पटियाला पहुंची सी। उहदे तो बत्तियां दे विचों 20 बंदे इहो जिहे ने जिन्हां ते किसे ते हैगा माल टर्पीट्यूड दा केस, किसे ते लैंड ग्रैबर दा केस है, किसे ते गुरु दी गोलक चोरी करन दा केस है, किसे ते ओह बंदे हाली पार्टी दे विच आए भी नहीं और ओह टिकट लै गए। भरा मैं पुछना चाहुंदा हां, केजरीवाल कहिंदा सी देश कल्ला इमानदार बंदा मैं ही हां, मेरे नाल होर कोई इमानदार नहीं है। गल छड़ दे तू दिल्ली की गल कर, दिल्ली के जड़िया टिकटा दतिया उस छोटेपुर ने नहीं दतिया, वह मोदी ने नहीं दतिया, वह तू कल ने दतिया ने। आम आदमी पार्टी वन मैन आर्मी है, ये बराबर कोई बंदा नहीं है, इन्हें किसी बंद सिर नहीं चकन दिता। किन्ने MLA अंदर गए है, किन्ने वजीर अंदर गए है, वो जिम्मेवार कौन है? एक बंदे ते भुलेखा लग सकता है, दो दे भुलेखा लग सकता है, 17-18 बंदे दे भुलेखा नहीं लग सकता। तुहानूं दस दईए कि सुच्चा सिंह छोटेपुर दे वल्लों कई तरह के इल्जाम अज एक बार फिर तो लगाए गए ने ते फिर दावा किया गया है कि टिकट वंड नूं लै के कई तरह की धांधली हुई है। उन्होंने कुछ भी पसंद नहीं सी, इस करके जो है वह लगातार कई मंचा तो गैर हाजिर भी रहे ने। तो सुच्चा सिंह छोटेपुर ने एक बार फिर तो टिकट वंड नूं लैके अपनी नाराजगी जो है दसी है कि क्यों वो जो है इस तो बार बार नाराज रहे ने। उधर आम आदमी पार्टी पंजाब तो इस्तीफा दे चुके 7 जोनल इंचार्ज दे वल्लों सलाहकार समिति का गठन किया गया ते कहा कि सुच्चा सिंह छोटेपुर जो फैसला लैणगे असी जोनल इंचार्ज उसके नाल होवांगे। नाल ही उन्होंने कहा कि वह गुजारिश करते हैं बाकी के बचे हुए 6 जोनल इंचार्ज भी पार्टी का साथ छड़ के साढ़े नाल आ जान। उन्होंने इल्जाम भी लगाया कि आम आदमी पार्टी जिस उद्देश्य के नाल अगे वध रही सी वो उस तो पटक गई है।
सत्ता जोन इंचार्जा की एक सलाहकार कमेटी बनाई है जिहड़ी सरदार सुच्चा सिंह जी छोटेपुर नू अगो जो भी 16 तो बाद पार्टी ने अगला फैसला लेना है उस बारे अपनी सलाह देवेगी। उधर मीडिया के मुखातिब होंदे हुए आम आदमी पार्टी के साबका जोनल इंचार्ज गुरिंदर सिंह बाजवा ने इल्जाम लगाया कि आम आदमी पार्टी दे विच टिकट वंडदे समय कई सालों तो पार्टी दे लई काम कर रहे वॉलंटियर्स नूं नज़रअंदाज किया गया ते नाल ही उन्होंने बाकी 6 जोनल इंचार्जा नूं भी अपील की कि वह भी आम आदमी पार्टी की लड़ छड के सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की हमायत करन। पुराने जिहड़े वॉलंटियर अन्ना हजारे तो जुड़े ने पिछले लंबे समय तो पार्टी लिए काम कर रहे ने उन्हां सारियां नूं इग्नोर करके एक नवा बंदा जिहड़ा पार्टी लिए कोई काम नहीं उन्हूं जोन इंचार्ज लाता। सो ये सारिया गल्लां जिहड़ी आ आम आदमी पार्टी अपने आदेशां तो जिहड़ी ओह सिधांतां ते खड़ी सी उहनूं सब नूं छिक्के टंग के बहुत नीवे पद्धर ते आ गई है। पार्टी दे 6 जोन इंचार्ज उन्हां नूं ते पार्टी दी विंगा दे जिहड़े इंचार्ज ने ते सीनियर लीडरशिप है उन्हां नूं असी अपील करदे हां कि अपनी जमीर दी आवाज़ ते सरदार सुच्चा सिंह जी छोटेपुर दी मदद करो। जम्मू कश्मीर च रहण वाले सिखां दीआं मुश्किलां केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह दे सामने चुकण दा भरोसा मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल दे वल्लों दित्ता गया। जम्मू कश्मीर दे सिखां दे एक वफद दे वल्लों बीते दिनी सीएम दे नाल मुलाकात की गई सी जिस दे विच सिखां नूं सूबे च पेश आ रहीआं दिक्कतां दे बारे चर्चा की गई जिस तों बाद मुख मंत्री दे वल्लों भरोसा दित्ता गया कि ओह केंद्र सरकार दे सामने इह मुद्दा जरूर चुकणगे।